दोस्तों मैं नितेश और मैं अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में डिस्कस करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अर्थात AI। दोस्तों सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या। दोस्तों आप तो जरूर ही जानते होंगे कि हम इंसानों को इस यूनिवर्स का सबसे इंटेलिजेंट प्राणी माना जाता है। हम इंसानों में सोचने की कैपेसिटी होती है जो किसी भी एनिमल और प्लांट में नहीं पाया जाता है। दोस्तों इसी काबिलियत के कारण हम इंसान किसी भी एनिमल और प्लांट से बहुत हद तक अलग होते हैं। दोस्तों अगर कोई इंसान ऐसा प्रोग्राम या कंप्यूटर या रोबोट बनाया जाता है जिसमें कि सोचने की कैपेसिटी को डेवलप किया जाता है तो वैसे इंटेलिजेंस लाइफ को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अर्थात AI कहा जाता है। दोस्तों आज के समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डेवलप उतना ज़्यादा नहीं हुआ है कि वह ह्यूमन की तरह काम कर पाए। दोस्तों आने वाले कुछ सालों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डेवलप में काफ़ी स्पीड आ सकती है। दोस्तों हजारों साल बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना ज़्यादा डेवलप हो जाएगी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमसे अच्छा लाइफ जीने के लिए इंसानों के कंट्रोल में न हो। फ्यूचर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड कई सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं। दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मदद से हमारी सारी एक्टिविटी आज के मुकाबले फ्यूचर में हजारों साल बाद पूरी तरह से बदल सकती है। दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जितना हमारे लिए उपयोगी है उतना भी खतरनाक हो सकती है। दोस्तों ये हम पे डिपेंड करता है कि हम आर्टिफिशियल अर्थात AI को किस प्रकार से डेवलप करते हैं। दोस्तों अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सही चीज़ों के बारे में सोचने के लिए डेवलप किया जाए तो यह इंसानों के लिए वरदान हो सकती है। दोस्तों पिछले 100 सालों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर स्टडी की जा रही है और इसके डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है। दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेवलप करने में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बड़ा ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। दोस्तों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज दोनों ही ह्यूमन के द्वारा डेवलप किया। मशीन लैंग्वेज कंप्यूटर की लैंग्वेज है जिसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से कमांड दी जाती है। दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये लैंग्वेज अभी बहुत ही कमज़ोर स्तर पर है लेकिन आने वाले समय में उनमें तेज़ी से डेवलपमेंट होगी। दोस्तों इतना खामियां होने के बाद भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत टफ काम को आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों आने वाले सालों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी में काम करते हुए नजर आएंगे। वे सारे मार्केटिंग जगह पर मौजूद होंगे और वुमेन का काम वो खुद करेंगे और दोस्तों उनका काम करने का स्पीड वुमेन के मुकाबले कई गुना अधिक हो सकती है। दोस्तों फ्यूचर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़्यादा डेवलप होने के कारण ह्यूमन और AI में मतभेद भी हो सकते हैं। दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी अपना अलग से आज़ादी और खुद के लिए ह्यूमन से मतभेद कर सकते हैं। दोस्तों आपने तो जरूर ही रजनीकांत सर का रोबोट मूवी देखे हुए होंगे। दोस्तों उस मूवी में रोबोट में खुद से जीने के लिए और ह्यूमन की तरह अपनी आज़ादी के लिए कई सारे अपराध किए थे। दोस्तों उस मूवी में रोबोट को सोचने की कैपेसिटी को डेवलप कर दिया गया था और वो अपनी मनमानी करता था। दोस्तों ऐसा ही हाल फ्यूचर में भी हो सकता है। यह हम पे डिपेंड करता है कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को किस प्रकार से डेवलप करते हैं। दोस्तों हमें एक एक कदम AI के प्रति सोच समझकर उठाना चाहिए ताकि AI का डेवलप ह्यूमन की सहायता के लिए हो न कि ह्यूमन की बर्बादी के लिए।